दिखाया गया है कि नाग वंश की राजकुमारी होते हुए मान्यता एक आम लड़के से शादी कर लेती हैं। मान्यता इस आम लड़के के साथ एक रेगिस्तान जैसी जगह पर शादी कर रही होती हैं और अचानक तूफान आ जाता है और पंडित कहते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे में मान्यता के माता पिता सामने से आ जाते हैं और उन्हें शादी करने से रोकते हैं। मान्यता की माँ का कहना है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है और वो आम लड़के से कैसे प्यार और शादी कर सकती हैं। अगर तू इस आम लड़के से शादी करेगी तो तेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी नागिन नहीं मानती और आखिरकार शादी कर लेती है। दोनों पति पत्नी अपना खुशहाल जीवन जीते हैं और एक बेटी को जन्म देते हैं। बेटी के जन्म की खबर जब उनके रिश्तेदारों को पता चलती है तो वो उन्हें खत्म करने की प्लानिंग कर लेते हैं। रिश्तेदार मान्यता के पति को भी मार देते हैं और मान्यता और उसकी बच्ची को कहीं खाई में ढकेल देते हैं, जहां मान्यता तो मर जाती है लेकिन मरने से पहले वो अपना गुस्सा और बदले की आग अपनी बेटी नयनतारा की आंखों में छोड़ जाती है। अब नयनतारा उस परिवार से बदला लेने के लिए देव को अपने प्यार में फंसाती है, जिसके बाद देव नयनतारा के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। इस बीच दूसरी नागिन वृंदा की भी झलक दिखाई देती है, जो आम परिवार से दिखती है, और आखिर वो कैसे नागिन बनती है और उसका नयनतारा से क्या कनेक्शन है, वो जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। वहीं एक प्रोमो में वृंदा और देव का प्यार दिखाया जाता है। अब अगर वृंदा देव से प्यार करेगी तो नयनतारा का क्या होगा? मिलम न्यूज रिपोर्ट।